खबर रीवा जिले से है, जहां नरेंद्र मिश्रा कार्यपालन यंत्री शहर एमपीईबी रीवा द्वारा 20,000 घूस लेने एवं पैसा वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने शिकायती पत्र कलेक्टर रीवा को देते हुए बताया कि विगत 6 वर्षों से एमपी रीवा अंतर्गत बीघा में मीटर रीडिंग का कार्य कर रहा था। मई माह में शहर संभाग रीवा में स्थानांतरित होकर नरेंद्र मिश्रा कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ हुए हैं। अपने पद पर पदस्थ होने के तुरंत बाद से ही नरेंद्र मिश्र द्वारा प्रार्थी से नौकरी में बने रहने के लिए 50,000 घूस मांगा जाने लगा। उनके कुछ लोगों द्वारा प्रार्थी को पैसे देने के लिए प्रताड़ित भी किया जाने लगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि मुझे एमपीईबी द्वारा ठेके पर रखी गई कंपनी तुलसियान से 25,000 से 30,000 प्रतिमाह वेतन मिलता था कि इतनी बड़ी रकम दे पाना संभव नहीं था, जिसके चलते नरेंद्र मिश्र द्वारा उनको नौकरी से निकालने हेतु तुलसियान कंपनी के मैनेजर अंकुश शुक्ला को आदेश दिया गया। इसके बाद शहर संभाग में पदस्थ जेई अजय मिश्रा द्वारा प्रार्थी को प्रताड़ित किया जाने लगा तथा कहा कि 20,000 नरेंद्र साहब को दे दो, नहीं तो ब्लैक लिस्ट कर दिए जाओगे और साहब तुम्हारे खिलाफ FIR करवा रहे हैं। इसके बाद प्रार्थी ने अपनी जमीन गहन कर 20,000 नरेंद्र मिश्रा को एमपीबी ऑफिस के बाहर उनके हाथ में दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मिश्रा द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह फिर से प्रार्थी को नौकरी पर रख लेंगे, परंतु 4 माह बीत जाने के बाद भी उन्होंने प्रार्थी को नौकरी में रखने हेतु कहा कि तुलसियान कंपनी के मैनेजर अंकुश शुक्ला से बात करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। प्रार्थी अंकुश शुक्ला से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अभी नरेंद्र साहब से कोई आदेश नहीं मिला है, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। इसके बाद प्रार्थी को समझ में आया कि नरेंद्र मिश्रा प्रार्थी से ठगी कर नौकरी का लालच देकर पैसे वसूलना चाहते हैं। मेरा नाम रोहित मिश्रा है, मैं भी 6 वर्षों से बिजली विभाग रीवा में मीटर वाचक के पद पर काम कर रहा था। जो मीटर वाचक का काम ठेका कंपनी तुलसियान चला रही है इस टाइम पे। नरेंद्र मिश्रा कार्यपालन यंत्री यहाँ मई माह में पदस्थ हुए थे और जब से वो आए तब से मेरे ऊपर 50,000 रुपये घूस लेने का दबाव बना रहे थे कि मुझे 50,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद मैं उनको अपनी ज़मीन गिरवी करके 20,000 रुपये दिया। वो अपने दलालों के माध्यम से कई बार मुझे फ़ोन करवाए, जेई अजय मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि आप साहब को 20,000 रुपये दे दीजिए और नहीं तो आपके नाम FIR करा देंगे। तो मैं उनको 20,000 रुपये दिया। इसके बावजूद 4 महीने बीत गए, नरेंद्र मिश्रा साहब ने मेरी नौकरी नहीं लगवाई। इसके बाद अभी रविवार को मैं नरेंद्र मिश्रा साहब से जब फ़ोन में चर्चा करने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, उनसे बात नहीं हुई मेरी। इसके बाद उनके 2-4 दलालों के द्वारा हमें फ़ोन करके प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बाद रविवार की शाम को मैं मैदानी में किराए के मकान में रहता हूँ तो एक बिना नंबर के स्कॉर्पियो में 4-5 लोग बैठ के आए थे और जैसे ही मैं गेट खोला तो मुझसे गाली गलौज करने लगे और मेरे पैर में ये देखिए भैया मारे हैं, पूरा सूज गया है। और इसके बाद जो वो बोले कि तुम जहाँ जिससे पंगा ले रहे होगी तुम्हारा पता नहीं चलेगा, तुमको नरेंद्र मिश्रा डंपर से कुचलवा देंगे और पता तुम्हारा नहीं चलेगा, इसलिए चुप रहो और हल्ला ना करो। अभी कलेक्ट्रेट कार्यालय SP कार्यालय में शिकायत कर दिया जी? मैं कलेक्टर महोदय को पत्र दिया हूँ और थाना चौराहा में आवेदन दिया हूँ और SP साहब को आवेदन दिया हूँ। क्या चाहते हैं आपकी क्या? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो ये जानलेवा हमला हुआ है इसकी कानूनी कार्रवाई की जाए, उचित जो हो, और मेरा पैसा दिलवाया जाए माननीय नरेंद्र मिश्रा के द्वारा। क्या लगता है कि नरेंद्र मिश्रा साहब अभी लोकायुक्त में ट्रैप थे 2 साल जबलपुर से, ये सस्पेंड थे और इसके बावजूद यहाँ मई में आए हैं और जब से आए हैं तो सिर्फ सबसे पैसा पैसा पैसा। बताइए, हम लोग 200, 2500, 3000 रुपये वेतन पाते हैं, कहाँ से इनको 50,000 ले आके दे दें।